क्या आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो कभी भी, जब कभी भी रिंग बज जाता है? Two-time Rex Center champion Milton. Cut! What? Wow! Can you stop this noise? Dedication and perseverance. It's a very important shot. Coming in and out. Jeez! I know how to turn off a phone. Oh my goodness gracious! 3 miles to the west. Oh, my phone's ringing. Whoa! That's embarrassing. Miss the notifications. The phone to flip karo, wo apne aap silent ho jayega. लेकिन क्या आप ये अपने फ़ोन में ट्राई करना चाहते हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन पे दबा लेना, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सभी फ़ोन में काम करेगा जिसमें कि टास्कर इनेबल हो। टास्कर को कैसे इनेबल करना है वो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, तो लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, पहला लिंक, जहाँ पे कि आप क्लिक करने के बाद ये पेज में आ जाएंगे। ये है टास्कर का ऑफिशियल पेज जो कि ये बनाया है। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले टास्कर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ये नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है कि गेट ऑन गूगल प्ले, उसमें क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में चले आओगे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन 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 इसमें लिखा होगा कि 199 रुपीज़। आपको 199 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा। मैं दूसरा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ये टास्कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा पूरी फुली पेड है। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको ये ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा उसको आपको यस कर देना है। ये ऊपर जो दिखा रहा है यस, ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अभी हम क्या करना पड़ेगा, देखिए ये अभी ऊपर आ गया, टास्कर अभी चल रहा है हमारा बैकग्राउंड में। ये अभी हो गया, पूरा काम इसका हो गया। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करने के बाद जो डिस्क्लेमर आएगा उसको ESS कर दीजिए, टिक मार्क कर लीजिए और छोड़ दीजिए और ये पेज में आप आ जाइए। अगर आप टास्कर को इंस्टॉल ही नहीं करोगे तो ये इंपोर्ट में क्लिक करोगे तो ये वाला साइन नहीं आएगा, जस्ट ए मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको टास्कर को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई भी मेल आईडी लगा लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट डाटा दिखा रहा है, मतलब कि वो जो सर्वर से हमारा डाटा इंपोर्ट होगा और ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। तो हम इसको परमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे और ये सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो ये मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ MI A1 में। आप देख सकते हैं कि मैं अभी MI A1 में ट्राई कर रहा हूँ इसको। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको अभी ओपन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अभी टास्कर अभी चल रहा है बैकग्राउंड में। देख सकते हैं कि मेरा अभी टास्कर अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। अभी और एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइलेंट भी नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अलार्म भी ऑन है और मेरा नेट भी ऑन है अभी। तो मैं अभी आपको अगर फ्लिप करके दिखाऊंगा इसको, आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसको फ्लिप करूंगा, मैं अभी इसको फ्लिप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब मैं फ्लिप करता हूं तो ये देखिए मैं अभी 180 डिग्री पूरा फ्लिप कर दिया, तो ये पूरा साइलेंट हो गया, देख सकते हैं। और मैं अभी जब इसको फिर से स्टेज में लेना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से बंद हो गया। और फिर से मैं अगर इसको फ्लिप करता हूँ तो ये देखिए साइलेंट हो गया और बीप भी एक साउंड कर रहा है, मतलब कि जब भी वो फ्लिप कर रहा हूँ नीचे और ये और एक बीप कर रहा है, जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये और एक बीप कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जब मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डोंट डिस्टर्ब दिखा रहा है। जब मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे नो डिस्टर्ब दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं अभी 180 डिग्री इसको फ्लिप कर दिया तो यहाँ पे टोटल साइलेंट हो गया, मतलब कि जितने सारे आपके काम चल रहे थे बैकग्राउंड में वो सब कुछ बंद हो गया, मतलब कि जिसका भी कॉल आने वाला था जो भी था वो सब कुछ बंद हो गया। और मैं अभी इसको फिर से फ्लिप कर रहा हूँ,
फ्लिप ऊपर तरफ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि फिर से बंद हो गया। फिर से इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो ये बंद हो गया अभी, और फिर से ये नॉर्मल चला आ गया। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अभी तो MI A1 यूज कर रहा हूँ, और मेरा अभी जो लॉक स्क्रीन है वो ओपन होने के बाद तो वो लॉक स्क्रीन में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं अगर इसको फेस अनलॉक दे रहा हूँ तो ये डायरेक्टली खुल जा रहा है मेन पेज में, होम स्क्रीन में हो जा रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है इसका भी मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, अगर आपको वो भी देखना है वो आप देख सकते हैं। अभी रुको रुको, वीडियो कहाँ खत्म हुआ है अभी देखो। बहुत सारे लोग मुझे अभी पूछेंगे कि ये जो टास्कर जो है ये अनोइंग है, क्योंकि ये नहीं निकल रहा है, मतलब कि हट नहीं रहा है नोटिफिकेशन से, तो इसको कैसे हटाएं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है 3 डॉट में, यहाँ पे डिजेबल टास्कर करना है, मतलब कि जब भी आप इसको यूज नहीं कर रहे तो आप इसको डिजेबल कर सकते हैं। डिजेबल कर दिया तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एनेबल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे 3 डॉट में जाऊँगा और एनेबल टास्कर में क्लिक करूँगा, अभी भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे जाऊँगा फ्लिप टू सॉ में, इसको अभी डिजेबल करूँगा, ठीक है। अभी इसको एनेबल कर दिया, फिर से एनेबल करने के बाद ये जो टिक मार के इसमें क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं कि फिर से ये अभी एनेबल हो गया और नीचे भी अपलाइट दिखा रहा है। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके वो बेल आइकन को भी दबा देना, जिसके बाद कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।